जय श्री राम दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट है और आज तारीख है 18/11/2023, दिन है शनिवार और देख सकते हैं हम हो चुके हैं रेडी। सुबह के बज रहे हैं 8:30, एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और हम चुके हैं रेडी। और अब चलते हैं नीचे, देखते हैं नाश्ता क्या है आज। वैसे पहले आशीर्वाद लेते हैं बाप का, उसके बाद चलते हैं अब नीचे पूजा पाठ करके नाश्ता। पूजा पाठ हमने कर लिया है और हमारा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में आज देख सकते हैं आप लोग, हमारी आलू मटर की सब्जी दिखाते हैं आपको। मटर आलू लाजवाब लग रही है और दूध है। आज नाश्ते में ये भी है को फिनिश और निकलते हैं कप पे। कप आ चुका है अपने पास और हम आज गाड़ी में भी और देख सकते हैं, हमें जाना है काम से। चार जगह का माल अपनी गाड़ी में लोड है, हमें जाना है पहले गांधीनगर, फिर जाना है जेल, फिर जाना है थिएटर कैलाश, उसके बाद जाना है करोलबाग। तो निकल चुके हैं, गाड़ी हम लोड करा ली है हमने और निकल चुके हैं। देख सकते हैं आप, मिल चौक है ये, सीधा हमें जाना है और यहाँ से अब सीधा निकलेंगे हम डिफेंस कॉलोनी के लिए और जिसे जी के कहा जाता है। और निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा एरिया झील में आता है। अगर मैं देख सकते हैं आप लोग, जाम काफ़ी जाम है यहाँ पे और हमें अंदर ही जाना है माल लेके। चलता हुआ जाम नहीं है, थोड़ा रुकावट वाला जाम भी है और चलता हुआ जाम भी है, मतलब जाम पर नहीं है। पहुँचते हैं उतारते हैं माल, हमने उतार दिया है और अब हम निकल चुके हैं। हमने दो जगह पर उतार दिया है, गांधीनगर और झील पे। इसके हम झील पे हैं यहाँ पे, अक्षर धाम पार कर दिया है हमने और हम सीधा मयूर विहार हुए डी एन डी पकड़ते हैं, सीधा जाएंगे थिएटर कैलाश के लिए। रास्ता थोड़ा सा खाली मिल जाएगा, करते हमने रास्ता पकड़ लिया क्योंकि हमने गांधीनगर माल दिया था, चक्कर से या रास्ता में पकड़ना पड़ा। और देख सकते हैं आप लोग, पहुँचते हैं डी एन डी और निकलते हैं सीधे थिएटर कैलाश के लिए। कैलाश पहुँच चुके हैं और हमें आगे एक बिल्डिंग है उसकी बीमार उतारना है और देख रहे हैं पहुँच रहे हैं वहाँ पे। थिएटर कैसा एरिया है पूरा, इसी गेट के अंदर हमें जाना है और देख सकते हैं उतरेगा माल हमारा, बंदे आएंगे अभी उतारने वाले। माल उतार दिया है और हम निकल चुके हैं करोलबाग के लिए और हमने रूट जो लिया है वो चिड़ियाघर वाला लिया है, ये भी निकलेंगे। देख सकते हैं आप लोग, दो रोड फ्लाईओवर जो है ये है और इसी से आगे जाके चिड़ियाघर पड़ेगा और चिड़ियाघर के लिए निकलना है। प्लेस में देख सकते हैं ये गणेश जी का मंदिर है, काफी बड़ा है यहाँ भी, और इसी के बगल में हनुमान मंदिर है। रविवार है आज, थोड़ा बहुत स्पेंस चाहिए। ये है बालाजी मंदिर, श्री प्राचीन बालाजी, जय बालाजी महाराज, जय गणेश जी महाराज। ये हम जा रहे हैं सर, ये रास्ता सीधे डाक घर के लिए जाता है जो कनॉट प्लेस में पड़ता है। शीशगंज गुरुद्वारा आप सबको दिखाता हूँ आज, ये कनॉट प्लेस में ही है। ये देखते हैं बोर्ड, बंगला साहिब है, शीशगंज में बंगला साहिब गुरुद्वारा है, बोर्ड लगा हुआ देख रहे होंगे आप लोग। और यही है सामने गेट इसका,
दिखाता हूँ फ्रंट से आपको। ये रहा बंगला साहिब गुरुद्वारा, क्रॉप प्लेस में पड़ता है ये, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, काफ़ी भीड़ है। यहाँ तक है पूरा आलू मटर की सब्जी और प्याज और रोटी और अपना रायता, गाढ़ा गाढ़ा रायता अपना खाते हैं इसको। D&D फ्लाईओवर में देख सकते हैं हम चल रहे हैं, ये सीधा आपका हमें आश्रम की तरफ ले जाएगा और देख सकते हैं आप लोग। गाड़ी लोड करके निकल चुके हैं और हमें जाना है दिलसाद गार्डन छिलमिल कॉलोनी सादरा, पूरा एड्रेस यही है। और निकल चुके हैं हम, रुक चुके हैं आपका गुलाबी बाग के आसपास और पहुँचते हैं और ये रास्ता भी आपको दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं, माल हमारा उतर रहा है, देख सकते हैं गाड़ी खड़ी करने के बाद चलेंगे थे जिम। जिम से आ चुके हैं हम और हमारी डाइट देख सकते हैं, फिलहाल हमारी डाइट है ये और कुछ नहीं। कभी कल हमने पनीर खा लिया था तो हम लोगों को नुकसान कर गया, अभी पनीर ज़्यादा था और पेट फुला दिया था अपने चक्कर में। ये है हमारा खीरा, आज का डाइट यही है हमारे लिए। करते हैं इसको फिनिश, 15 मिनट बाद पीते हैं चाय अपनी। डाइट अपनी हो चुकी थी और चाय वगैरह हमने पी ली है और अब ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। सबको सुबह और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सुबह।